हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम निकले हैं भीमताल वाली रोड पर। देखते हैं, आज ऊपर चलते हैं भीमताल वाली रोड पर, कहाँ तक हम पहुँचते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है तो हमने सोचा ऊपर की तरफ को घूमने चलें और आपको दिखाते हैं भीमताल रोड पर क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भीमताल से थोड़ा सा पहले, बस यहाँ से कुछ ही दूर पे भीमताल है। मैं आपको मौसम का नज़ारा दिखाना चाह रही हूँ। काफ़ी कोहरा है यहाँ पर, देखिए काफ़ी ठंड भी बढ़ चुकी है। अब जैसे कि आप जानते हैं, धीरे धीरे दिवाली पास आती जाएगी, दिवाली के बाद ठंड शुरू हो जाती है। तो बस मैं आपको ये मौसम का नज़ारा दिखाना चाहती थी। चलिए मिलते हैं फिर आगे। पहुँच चुके हैं भीमताल। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ताल के साथ साथ चल रही हूँ। बहुत सुंदर मौसम है इस वक्त, काफ़ी कोहरा लगा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं, भीमताल बहुत फेमस है, यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट इसको कहा जाता है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि भीमताल के बीच में एक टापू है, उस टापू के अंदर एक एक्वेरियम कैफ़े है, वो काफ़ी फेमस है। उस एक्वेरियम कैफ़े में आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल सकती हैं और काफ़ी बड़ा एक्वेरियम भी है वहाँ पर, है ना। तो आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ताल का जो साइड व्यू है। काफ़ी शांति है अभी इस टाइम पर, इतना टूरिस्ट नहीं है इधर। तो मैं साथ साथ चल रही हूँ ताल के। ये अंदर वाली रोड है, अंदर की तरफ को, हाईवे वाली रोड नहीं है। इसमें आगे चलकर टू व्हीलर का रास्ता है, आगे से गाड़ी नहीं निकल पाती, कार आगे जाकर मंदिर के पास तक जा पाती है, उसके बाद गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं है, आगे से सिर्फ टू व्हीलर निकल सकता है। यहाँ पे वॉकिंग करने वाले लोग काफ़ी सुबह शाम वॉक करने के लिए आते हैं। तो इधर काफ़ी रिजॉर्ट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर की साइड। तो ये लेक का साइड व्यू है, बोटिंग करने काफ़ी लोग आते हैं इसमें गर्मियों के टाइम पर, समर वेकेशंस जब चलती हैं उस टाइम पे। यहाँ पे एक मालू सारा रिजॉर्ट है। तो इस लाइन में बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, लाइन से जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे तक। तो इस तरफ रिजॉर्ट हैं और इस तरफ तालाब है। तो अगर आप तालाब का पूरा लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो इन रिजॉर्ट्स में आकर रुक सकते हैं। ऊपर सुबह शाम जब भी आप उठेंगे, अपनी खिड़की से देखेंगे तो नीचे आपको सामने तालाब का व्यू दिखाई देगा। और यहीं से जो है हरमन माइनर स्कूल का रास्ता है ऊपर। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, ये हरमन माइनर स्कूल है भीमताल का, काफ़ी फेमस, काफ़ी अच्छा स्कूल माना जाता है। अब देखिए पूरा व्यू तालाब का कितना सुंदर है, उस तरफ की रोड दिखाई नहीं दे रही है, इतना ज़्यादा कोहरा है। चलिए चलते हैं आगे, फिर आगे चल करके मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर पहुँच करके, ठीक है। मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं मंदिर तक। ये सामने मंदिर है और यहाँ से मंदिर का रास्ता है। मंदिर के ठीक सामने अपोजिट साइड तालाब के बीचों बीच में टापू है, और टापू तक जाने के लिए आपको बोट का सहारा लेना पड़ता है। तो जिन लोगों को एक्वेरियम कैफे जाना होता है, उन लोगों को बोट लेनी पड़ती है। अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। ये है मंदिर, श्री भीमेश्वर महादेव। शूज उतार लेते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको मंदिर, काफी सुंदर मंदिर है, भीमेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो पहले बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं। यहाँ से दर्शन हनुमान एवं राधा कृष्ण, हनुमान जी और राधा कृष्ण
जी के दर्शन यहाँ से जा कर के हमें मिलेंगे। तो इधर की तरफ को चलते हैं। तो ये हनुमान जी और राधा कृष्ण जी का मंदिर है। बाहर से काली माँ भी विराजमान है। ये ऊपर पुल का रास्ता है, इस तरफ चलते हैं मंदिर के। काफ़ी बड़ा पीपल का वृक्ष है। इस पीपल के वृक्ष में काफ़ी सारे भगवान जी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर माता का छोटा सा मंदिर एक और है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और साथ में काली माँ का मंदिर है और यहाँ पर धुनी है। इस धुनी पे यज्ञ वगैरह होते हैं, है ना। जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं, कोई बड़ा पर्व होता है, तो उस पर यज्ञ किए जाते हैं। और सामने बाबा जी बैठे हुए हैं। बाबा जी प्रणाम, कैसे हैं आप बाबा जी? सब बढ़िया। यहाँ का मौसम कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा है। हमेशा गर्मियों में भी ऐसा ही रहता है, ठंडा सदा खुशहाल रहेगी बेटा, प्रणाम बाबा जी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे चलकर, मैं आगे दिखाती हूँ। तो हमने तो कर लिए मंदिर के दर्शन और प्रसाद में हमें मिला बतासा, इसको हम खाते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये रास्ता यहीं तक समाप्त हुआ। यहाँ से आगे फिर मेन जो हॉट स्पॉट है टूरिस्ट का, वो स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी सारे कैफ़े, रेस्टोरेंट्स और दुकानें। यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन एक कुछ स्टैचू सा दिख रहा है मुझे, तो अभी टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से नगर निगम की तरफ से ये कुछ बन रहा है स्टेज, इसमें लिखा हुआ है सांस्कृतिक बहुद्देश्य मंच नगर पंचायत भीमताल। चलिए, आई होप जल्दी जल्दी बन जाए। देखने में लगता है कि बनकर काफ़ी सुंदर बन के उभर के आएगा। आगे चल के मैं और चीज़ें दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए, विंडो शॉपिंग के लिए काफ़ी दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। कैफे हैं, शो मटेरियल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जनरल स्टोर हैं, सब कुछ एक ही दुकानों, एक ही लाइन में है। और आगे यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया गया था, आई थिंक, हाँ। तो रामलीला ख़त्म हो चुकी है, यहाँ ख़त्म हुई है, नहीं मुझे ये नहीं पता, बट रामलीला का पूरा स्टेज बनकर तैयार है यहाँ पर। रात के वक्त लगती होगी क्योंकि दिन में काफ़ी रश रहता है, पॉसिबल नहीं है। रामलीला हर जगह रात को ही होती है, तो रात को सारी मार्केट क्लोज होने के बाद ही रामलीला शुरू होती होगी। आगे चलते हैं और कुछ दिखाते हैं आपको नया। ये देखिए, नगर पंचायत भीमताल द्वारा बहुत सुंदर आकृति दी गई है। हमारी संस्कृति को झलकाने की कोशिश की गई है। कुमाऊनी संस्कृति है जो, काफ़ी सुंदर। तो दोस्तों, अब हम चल पड़े हैं खुटानी की तरफ। ये जो आपने मोड़ देखा है, यू बैंक है, जो हेयर पिन बैंक, यहाँ से हम ऊपर को आ गए हैं। खुटानी की तरफ को हमारा आगे का सफ़र है। तो अब हम निकल चुके हैं खुटानी से पदमपुरी की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में दिन पर दिन खेती कम होती जा रही है, लेकिन जो ये बेल्ट है, ये काफ़ी फेमस है खेती के लिए। यहाँ पे आलू की काफ़ी अच्छी पैदावार होती है। खुटानी वाले रास्ते में कुछ आगे यहाँ पे एक चाचा भतीजा ढाबा करके है। यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर करा है कढ़ी चावल, और खाना जितना भी है सारा मिट्टी के चूल्हे में पक रहा है। क्या क्या बनाया भैया? राजमा चावल, कढ़ी चावल, नॉनवेज चिकन चावल। अच्छा, और चना चावल। चना चावल एक बार दिखाएंगे इसमें। जीरा आलू, जीरा आलू, ये सब चूल्हे में बनता है ना भैया? तो भैया यहाँ पे सारा जितना भी प्रिपरेशन है सारी चूल्हे में करते हैं। और फाइनली हमने अभी ऑर्डर करा है कढ़ी चावल, तो टेस्ट करते हैं, चलो फिर बताते हैं आपको कैसा। तो मैं
अल्टीमेट, जैसी कड़ी में खटास होनी चाहिए, परफेक्ट बिल्कुल दही की, घर की दही में बनी हुई कड़ी है और चूल्हे का अलग ही स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पदमपुरी, पदमपुरी जो कि बहुत फेमस है सब्जियों के उत्पादन के लिए। और ये पदमपुरी अपने में ही एक बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं एनडी तिवाड़ी, स्वर्गीय एनडी तिवाड़ी जी, उनका आवास भी इधर ही है। वो अपने पूर्व में 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 1 बार उत्तराखंड के। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं पदमपुरी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं, धारी रोड से नीचे उतर के गांव जाता है जो मुक्तेश्वर बायपास है, उस तरफ को हम चल चुके हैं। नीचे हमने सुना है काफ़ी अच्छी खेती होती है और चलकर देखते हैं, आपको भी खेत दिखाएंगे क्या क्या सब्जियां लगी हैं। मिलते हैं नीचे गांव में। बतख कितनी सुंदर लग रही है। बेस यहाँ पे जो पानी का फॉल है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको बांध जैसा बना रखा है छोटा सा, तो इसी में रहती है बतख यहाँ पर। तो हम पहुँच चुके हैं पोखराड़। धारी रोड से अंदर को नीचे को एक रोड कटती है जो मुक्तेश्वर बायपास है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उससे अंदर जाके एक नीचे गाँव है, वहाँ पे काफ़ी सुंदर व्यू है। बहुत कम लोग इस व्यू के बारे में जानते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ से पानी नीचे को आ रहा है और नीचे गांव की तरफ को जा रहा है पानी पे, ठीक है। ये वो रूट है जहाँ से हम अभी आए थे ऊपर से, और फिर यहाँ से ये यू टर्न होकर के ये सीधे निकल जाएगा दोबारा से उसी रोड पर, धारी रोड पर ही हाईवे की तरफ। देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं। चलिए एक छोटी सी दुकान है यहाँ पर, अंदर चलते हैं भैया से पूछते हैं, देखते हैं क्या क्या है भैया के पास। ये साइड से एक पगडंडी का रास्ता ऊपर को जा रहा है, तो ये सामने छोटा सा झरना है, उसके बगल में एक छोटी सी दुकान है। भैया क्या नाम है आपका? गुड्डू बिस। क्या क्या मिलता है भैया आपकी दुकान में? मैगी मिल जाएगी, आमलेट होगा, बन आमलेट होगा, बन मक्खन होगा। अच्छा, तो ये बतख आप ही ने पाली हुई है? बतख है, कबूतर है। अच्छा, तो भैया ये जो ऊपर पगडंडी का रास्ता जा रहा है ये जो दुकान की साइड से आपकी, ये गांव कौन सा गांव है? ये ग्राम सभा कॉल। ग्राम सभा कॉल। कॉल ऊपर जाके कोई रिजॉर्ट भी है मैंने सुना? मैकपाई और वो मैकपाई और केत। ओके, ha ha ha।
तो इस टाइम पर यहाँ पर टमाटर की पौध लगाई जा रही है। पॉली हाउस फार्मिंग ज़्यादा होती है इस जगह पर, और इस टाइम पे मक्का का सीजन अब ख़त्म हो रहा है। सारी जाड़ों की सब्जियाँ जैसे कि हरी सब्जी, मटर और टमाटर, इन सब की इस टाइम पे पौध लगाई जा रही है। उसी टाइम पे फिर सब्जियाँ आनी रेडी हो जाएंगी, फसल तैयार हो जाएंगी। तो फिर हम अब यहाँ से निकलते हैं वापस, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और मुझे लगता है कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। भीग जाएंगे इससे पहले निकलते हैं फटाफट घर की तरफ को। तो दोस्तों हम हैं अभी भीमताल में, बारिश हो रही है, भीग चुके हैं, भीग के कबूतर बन गए हैं बिल्कुल। आगे रुकते हैं कहीं पे चाय पीने के लिए, अभी हमारा सफ़र बाकी है 32-33 किलोमीटर का हल्द्वानी तक। से हल्द्वानी के रास्ते पर बहुत ज़्यादा कोहरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। आगे से गाड़ी आ रही है, इंडिकेटर देख करके गाड़ियाँ चल रही हैं, इतना ज़्यादा कोहरा है जिस पर। और इस वजह से हम भी बहुत हल्की स्पीड में हैं, सारी ही गाड़ियाँ बहुत धीरे धीरे चल रही हैं सेफ्टी के लिए। देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है, चलिए धीरे धीरे चलते हैं और पहुँचते हैं। हम पहुँच चुके हैं घर और चलते हैं अंदर, अंधेरा हो गया है और आपको मिलवाते हैं शानू से। शानू हाँ? मैं आ गई। हाय। अरे कौन आया? नंदाड़ानू में है। हाँ। नाना जी प्रणाम। जी तेरा इसे तो प्रणाम ही नहीं करा हमको। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।